अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माई ब्लॉग। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और जी आप सब बताएं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी सर्दी हमारी तरफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, रोज़ ही स्नो जो है वो पड़ जाती है, नेक्स्ट डे जी मेल्ट होती है, हम खुश होते हैं तो इवनिंग में फिर दोबारा पड़ जाती है। तो यहाँ तो बस इसी तरह का ही सिलसिला जारी है। आज जी मैं आपको बड़ी ही मज़ेदार जायकेदार रेसिपी दे रही हूँ, काले चनों की, जो मैं चाट बनाती हूँ अपने घर में। तो मेरे घर में ये इस रेसिपी से ही बनते हैं और सबको ऐसी ही पसंद है, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँ। उसके लिए जी सबसे पहले मैंने 2 कप जो हैं वो ब्लैक चनों के मैंने रात में भिगो दिए थे और नेक्स्ट डे इनको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के बॉईल कर लिया है। उसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लेके उसको, जिस तरह हम लोग ऑमलेट करते हैं ना, इस तरह मैंने उसको कट करके छोटा छोटा बिल्कुल, तो उसको देखिए जी फ्राई कर लिया है। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दी है टमाटर की पेस्ट। तो अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप वो डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा इसका मसाला बनाना होता है ना तो पेस्ट ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस जी ये देखिए मैंने इसमें पेस्ट जो है वो डाल दी है। ऑयल आप देख लें बहुत ही कम है इसमें, ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ शुरुआत में, जब हम इसमें चने डालेंगे उसके बाद हम आइडिया लगा लेंगे। तो बस जी मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लेके तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखें हो गया फ्राई, मैंने चूल्हा कर दिया था बिल्कुल लो। उसके बाद जी मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला था, ज़ीरा 1 टेबल स्पून ही पिसा हुआ मैंने इसमें डाला था, धनिया, और जी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही डाला था सॉल्ट का, और साथ ही मैंने इसमें जी डाला है मज़ेदार सा चाट मसाला, वो भी जी 1 टेबल स्पून ही है। अच्छा जी ज़ीरा मैंने पीस लिया था, आपकी मर्ज़ी है आप साबुत डाल लें, लेकिन पिसा हुआ ही मैं डालती हूँ तो मैंने सारे मसाले ऐसे ले लिए थे पिसा हुआ। तो ये जी देखें इसको मैंने अच्छे से मसालों को एक साथ मिक्स करने की जी कोशिश कर दी थी शुरू, और उसके बाद क्योंकि ये सारे ड्राई मसाले थे ऑयल कम था तो इसके अंदर जी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इनको अच्छे से मिक्स किया ताकि अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाएँ और मसाला जो है वो जले नहीं। बस जी जब मसाला अच्छे से आपस में मिक्स हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड करे थे ब्लैक चने। अच्छा मसाला आपका रेडी है, उसकी एक निशानी ये है कि जब आप अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे ना तो इसमें हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो जाते हैं मसाले में, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जी आपका मसाला रेडी है। तो बस ये देखिए इस पॉइंट पर आके ना आपने इसमें चने जो हैं वो मिक्स कर देने हैं अच्छे से, ये इस तरह आप इनको अच्छे से मिक्स करके, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रख दिया था ताकि ये आपस में अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं। तो उसके बाद जी मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि बिल्कुल ड्राई तो नहीं है मसाला, ठीक है। इस मकाम पे आके ना आप लोग मतलब चेक कर लें सारा कुछ कि भाई आपके हिसाब से है ठीक कि नहीं। तो मैंने देखा था कि इसमें मुझे हल्का सा ना ऑयल कम लगा था, तो मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ही ऑयल दोबारा ऐड कर दिया था, और जी उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो पिसी हुई हरी मिर्चों की डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो साबुत मिर्चें पसंद नहीं करते तो मैंने पिसी हुई डाली थी। और ये जी देखें 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर इमली की चटनी का डाला था। अच्छा फ़िलहाल ये मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला था, उसके बाद ना मैंने बस मुझे ये था कि थोड़ा इसमें कम है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और डाला था। तो इस 2 कप चनों के अंदर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून अपनी इमली की चटनी के डाले थे कि मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, रमज़ानों के दिनों में आसानी रहती है। बस जी इनको आपस में अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाया, और उसके बाद जी मैंने इसमें कटा हुआ बारीक प्याज और जी धनिया इसमें मैंने डाला था, मेरे पास फ्रेश रखा हुआ था, बॉईल किए हुए मैंने आलू के जो क्यूब्स हैं वो भी डाल दिए थे, मैंने आलू भी बॉईल करके रखे हुए थे तो उनके जी मैंने क्यूब्स बना लिए थे वो मैंने ऐड किए हैं, और इसके ऊपर आखिर में जी मैंने पिसा हुआ मेरे पास मिंट पुदीना जो होता है वो रखा हुआ था,
वो ऐड कर दिया था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं डालें। तो बहरहाल जी देखिए मज़ेदार सी मेरी जो चना चाट है वो तैयार हो गई थी। इनको आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इनको मज़ीद पकाया था। उसके बाद जी मैंने किया चूल्हा बंद और इनको फिर मैंने किया सर्व। इसमें मैंने डाल दी थी आखिर में जी बूंदी। तो आप गरम गरम खाएं, मज़ेदार सी है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे व्लॉग को जी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बस अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। ये देखिए जी मैंने रेडी कर ली थी और फिर मज़े से हमने बाद में खाई भी थी। आप सब भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।